हेलो एवरीवन, मी दीप्ति शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोमोज। मोमोज लगता है कि बहुत ही टफ है बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं बताने वाली हूँ कि मोमोज असल में कितना इजी होता है बनाना। बहुत ही इजी तरीके से हम घर में मोमोज बना सकते हैं। जिस आप लोग मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये प्याज ली है और ये मैंने पत्ता गोभी ली है। प्याज को हमने बारीक काट लिया है, पत्ता गोभी को कस लिया है और ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, ये सोया सॉस ली है और ये अदरक लिया है जो अच्छे से मैंने कसा हुआ है और ये मैंने काली मिर्च ली है। बस हम इन्हीं चीज़ों से अपने मोमोज की जो स्टफिंग है वो रेडी करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मोमोज का आटा रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ली है, इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला है, लगभग 2 से 3 स्पून मैंने ऑयल डाला है। इसको अब हम गूँथ लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे। कभी पानी ज़्यादा हो जाए तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, जितना हमें ज़रूरत है उतना हम पानी डालते रहेंगे और अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे ना ज़्यादा टाइट रहे, काफ़ी स्मूथ रहे। तो अब हम इसको गूंथ कर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। यहाँ हम अपने मोमोज की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। हम प्याज और जो पत्ता गोभी वगैरह है उनको बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा फ्राई नहीं होता है मोमोज में। बहुत ही हल्का सा फ्राई करते हैं जो कच्चापन ना आए। यहाँ हमने आटे को गूंद कर 15 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ठीक कर रही हूँ और ये हमारा आटा ठीक हो चुका है। और मैं बहुत ही छोटी छोटी लोई तोड़ लूँगी इसकी और इसको हमें बहुत ही छोटा बेलना है। बहुत ही ध्यान रहे कि जो हम बेलेंगे वो मोटा ना होए, पतला रखना है। बेल लिया है, अब हम अपने मोमोज को सील करेंगे। गाइस, अब देखिए हम मोमोज की स्टफिंग करेंगे। मोमोज को सील कर लेंगे। सील करना भी टफ नहीं होता है, ये भी बहुत इजी होता है। देखिए, यहाँ हम प्लेट्स बनाते जाएंगे, धीरे धीरे मोमोज को हम घुमाएंगे, प्लेट्स बनाएंगे और ये मोमोज अपनी शेप लेता जा रहा है। कितने अच्छे से ये सील हो गया है और बहुत अच्छी शेप आ गई है इसकी। एक मोमो सील करना और मैं बता रही हूँ, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हम धीरे धीरे प्लेट्स बनाएंगे और इसको एक साइड से प्लेट बनाते जाएंगे और थोड़ा सा घुमाते भी जाएंगे साथ के साथ और ऐसे ही अपनी शेप लेता जाएगा और ये भी सील हो जाएगा। बहुत इजी है, आप लोग इसको ट्राई करें जब भी ये बनाएं और ऐसे ही इन मोमोज को सील करें, बहुत अच्छी शेप आ जाती है। बहुत टफ नहीं होता है, देखिए कितना अच्छे से ये बन चुका है। हाँ, मैं मोमोज बिना स्टीमर के बना रही हूँ। एक बर्तन में मैं पानी बॉईल करने के लिए रखा है। जब हमारा पानी बॉईल हो जाएगा तो हम इस छलनी पर ऑयल लगाकर अपने मोमोज रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे और थोड़ा गैप से हमें मोमोज रखने हैं। तो हमें इनको इसलिए रखना है ताकि ये आपस में चिपके ना। यहाँ पर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं, इनका लुक ट्रांसलूसेंट आ चुका है। हमें इनको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है। हम मोमोज की चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ 4 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 सूखी मिर्च ली है और कुछ लहसुन की कलियाँ ली हैं। Thank you.
गाइस, हमारे मोमोज तैयार हो चुके हैं, वो भी बहुत कम समय में तैयार हुए हैं। मार्केट जैसा लुक आया है। जो चटनी हमने बनाई थी साथ में हमने वो ली है और साथ में हमने मेयोनीज लिया है। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू सो मच।